नमस्ते टीचर्स, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ऐप लेकर आया हूँ, जिसकी मदद से आप आपके सारे ऑनलाइन लेसन्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, अलग अलग 3D ग्राफिक्स का यूज करके। यह ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल है और फ्री है, जिसका नाम है फैक्टर। यह बेस्ड है ऑगमेंटेड रियलिटी पर। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब होता है रियलिटी और उसके साथ वर्चुअल रियलिटी को मिक्स कर दिया जाता है। तो देखिए, आपको दिखाता हूँ किस तरह से इस ऐप का यूज किया जाता है। ये ऐप मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो जल्दी से दिखा देता हूँ कि इस ऐप का यूज किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में ये वीडियो है, मैंने कुछ डाउनलोड करके रखे, एक मैं आपको उसमें से दिखाता हूँ। जब आप यह वीडियो बना रहे होंगे तो आपको इस वीडियो बनाने के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। अब ये मैंने एक सैंपल ओपन कर लिया है और इसको मैं क्लिक कर रहा हूं व्यू इन 3D में। तो अब ये इस तरह से जो AR वीडियो है वो ओपन हो रहा है। आप यहां देख सकते हैं कि एक गैलेक्सी का या सोलर सिस्टम का जो है मॉडल यहां पे आ गया है। आप ये देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है, इसके पीछे खड़े होकर टीचर ये पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो कैमरा असिस्टेंट है वो इसको रोटेट कर सकता है, अगर एक उंगली से करते हैं तो इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट हम हमेशा की तरह से कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। और नीचे ये जो ऑप्शन है वीडियो का, अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसका वीडियो बनाना शुरू हो जाएगा। तो टीचर यहाँ पीछे खड़े रहेंगे और पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस सोलर सिस्टम के बारे में, इस तरह से जूम इन जूम आउट और रोटेट किस तरह से भी किया जा सकता है। तो ये हो गया ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब टीचर है जो रियल में है और उसके उनके पीछे जो है वो उनके आगे जो है वो वर्चुअल रियलिटी का पार्ट है। जैसे अभी एक और सैंपल है, ये वायरस का एक्सप्लेनेशन टीचर को करना है। तो आप देख सकते हैं अब यहां पर वायरस का जो ग्राफिक्स है आ गया है, इसके पीछे खड़े होकर टीचर पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। टीचर्स को नहीं पता है कि स्क्रीन पर क्या चल रहा है, अगर टीचर पीछे एक्सप्लेन करेंगे और आगे जो कैमरामैन है असिस्टेंट है वो इसको जूम आउट इन करेगा, पूरा प्लान यहां पे कर सकते हैं। या फिर अगर टीचर पीछे ना खड़ा रहे, अगर वे सिर्फ एक्सप्लेन करे तो भी चलता है। तो पीछे अगर हम कोई प्लेन बैकग्राउंड लगा देते हैं इस तरह से, और टीचर अगर सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से इसको एक्सप्लेन करते तो भी हो सकता है। आप इसको जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं, इसके अलग अलग पार्ट जैसे आप दिखाना चाहते हो इसको दिखा सकते हैं। तो ये जो सैंपल्स है खास टीचर्स के लिए बनाए हुए है। आपको सिर्फ सर्च करना होगा आपको कौन सा AR वीडियो चाहिए, वो वीडियो यहां पर है, तो आप उसकी मदद से एक्सप्लेनेशन वाला बहुत ही अच्छा वीडियो बना सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना होगा। जैसे अब ये देखिए, अगर आपको स्केलेटन ये पूरा एक्सप्लेन करना है आप कर सकते हो, इस तरह से रोटेट कर सकते हो। आप चाहे तो स्क्रीन में आ सकते हो एज ए टीचर और पीछे खड़े रहकर एक्सप्लेन कर सकते हो, या तो फिर आप प्लेन बैकग्राउंड पर आइए और सिर्फ आप प्लेन बैकग्राउंड पर आकर स्क्रीन रिकॉर्डर का जो भी ऐप आपके स्मार्टफोन में होगा उसके मदद से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऐप बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसकी मदद से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव ग्राफिक्स आते हैं। और ये सारी ऐप जो होते हैं वो ये जो ऐप में जो जितने भी वीडियो है उतने वीडियो फ्री अवेलेबल है। इसको जूम इन और जूम आउट के प्रोसेसर वही है जो हमेशा हम अलग ऐप में करते हैं, सिर्फ इसको ऊपर नीचे करने के लिए हमें दो उंगलियों का इस्तेमाल करना होगा, एक उंगली से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही मजेदार इस तरह के सैंपल्स वीडियो यहां पर मौजूद है इस ऐप में। अलग अलग कैटेगरीज यहां पर है, तो ये आपको किस तरह से करना है, आप इस तरह से ये ऐप जब ओपन होगा तो उसमें अलग अलग कैटेगरी आएंगे, आप अलग अलग सर्च कीजिए जो भी आपको चाहिए।
खास साइंस की कैटेगरी है, एजुकेशन की कैटेगरी, आप पूरा ब्राउज कीजिए उसके अंदर। और जैसे कि अगर आप ये इंजन वाला पार्ट दिखाना चाहते हो तो अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो ऑफलाइन आपको दिखा सकते हो, अगर आप यहाँ से डाउनलोड नहीं करते हो तो आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी ये मॉडल दिखाने के लिए। बहुत सारे कैटेगरीज इसमें हैं, आप सर्च करके डिस्कवर मोर भी कर सकते हैं। आप चाहे स्टूडेंट को जो एनिमल दिखाना चाहते हो, एनिमल भी यहाँ पर है, अलग अलग एनिमल यहाँ पर है, आप उनको भी दिखा सकते हो विविन 3D। अगर इंटरनेट का स्पीड अच्छा है तो जल्दी से ये डाउनलोड हो जाएगा, इसलिए मैं यही आपको सुझाव दूंगा कि आप पहले डाउनलोड कर ले और फिर उसके वीडियो बनाए, क्योंकि अगर इंटरनेट का स्पीड कम हो जाता है तो वो डाउनलोड नहीं होता है। इस तरह से अगर इसके साथ अगर टीचर खड़े हो सकते हैं इस तरह से, ये देखिए, और कारीगर के बारे में जो भी है जानकारी दे सकते हैं। ये सिंगल फिंगर से हम इसको रोटेट कर सकते हैं हर डायरेक्शन में, और दो फिंगर से हम इसको जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके पीछे खड़े होकर एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से इसका वीडियो बना सकते हो, या फिर यहाँ पर जो वीडियो का बटन है हम यहाँ पे क्लिक करके तो इसका वीडियो बनना शुरू हो जाता है और ये वीडियो गैलरी में सेव हो जाता है। तो इसका मतलब आपको अलग से कोई स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की जरूरत भी नहीं है और आपका ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। इस तरह से ये वेक्टर ऐप में बहुत सारे ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इस सेक्टर ऐप में। थोड़ा इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि अगर मोबाइल में अगर रैम ज्यादा अच्छी नहीं है या फिर ज्यादा स्पेस नहीं है तो फिर इसमें हमें थोड़ा ये लैग होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड। लेकिन आपके लेसन्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा ऐप है। इस ऐप में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ढूंढिए यहाँ पर अलग अलग और उसके साथ आपने आपको वहां पाइए और एक्सप्लेन कीजिए। आप यहाँ पर डिस्कवर कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर है, जो भी आपको एक्सप्लेन करना है, साइंस में जाइए, ज्योग्राफी में जाइए, बहुत सारे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डाउनलोड करके रखे, जैसे अगर हम चाहते कि अपोलो 11 के अंदर क्या है ये भी हम देख सकते हैं। तो आपको एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आप इसको शुरू कीजिए इस ऐप को, और ये जहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है वहाँ वीडियो पर आप क्लिक कीजिए और अपना एक्सप्लेनेशन चालू कीजिए, और इसको हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और फिर इसको भी अंदर से हम दिखा सकते हैं। बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स है, बहुत ही यूजफुल ग्राफिक्स है, हम इन ग्राफिक्स की मदद से स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो कुछ सैंपल मैंने दिखा दिए आपको, ऐप यूज करने में बहुत ही आसान है। ऐप ओपन कीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए, जो कैटेगरी ब्राउज कीजिए और जो भी चाहिए आपको बस उसको ओपन कीजिए। हो सकता है तो आप डाउनलोड करके रखिए, जैसे नेचर में हमने देखा है, नेचर में अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उसको डाउनलोड करके रखिए। डाउनलोड यहाँ दिखते हैं, एक और दिखा देता हूँ लास्ट वाला, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग व्यू इन 3D। आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो वीडियो में अपीयर हो जाइए पीछे खड़े रहकर, या फिर आप सिंपली एक्सप्लेन कीजिए किसी प्लेन बैकग्राउंड को कैमरे के सामने रखकर। अब अगर आप यहां खड़े रहना चाहते हो तो आप पीछे खड़े रहकर एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन फिर आपको स्क्रीन पर क्या चल रहा है शायद ये ना दिखे, तो इसके लिए अच्छा यही होगा कि आप किसी प्लेन बैकग्राउंड पर इसको एक्सप्लेन करें। अगर आप अच्छा इफेक्ट चाहते हो तो आप अंधेरा भी कर सकते हो ताकि बैकग्राउंड पूरी तरह से उभर कर सामने आए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग है, तो इसको वन बाय वन हम दिखा सकते हैं रोटेट करके।
कुछ ज़्यादा जूम इन जूम आउट हो रहा है, तो इसको देखिए अलग अलग, और क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है। इसके पूरे साइकिल हम दिखा सकते हैं। तो थोड़ा आपको इसका स्किल आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सोलर सिस्टम है ये, मैंने डाउनलोड किए हुए, आप डाउनलोड कीजिए अपने हिसाब से, और सारे फ्री है। और इसके ऊपर से हम अच्छे से एक एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। ये ग्राफिक शायद हम कभी भी ना बना पाए, लेकिन ये रेडीमेड ग्राफिक्स की मदद से हम हमारे वीडियो अच्छे से अच्छे बना सकते हैं। सिर्फ आपको सर्च करना होगा आपको जो भी वीडियो चाहिए वो, और वो वीडियो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। इस तरह से ज़्यादा फंक्शन इसमें मैं नहीं बताऊंगा, आप अभी सिर्फ यही कीजिए कि सर्च कीजिए और जो भी वीडियो आपको चाहिए वो डाउनलोड कीजिए, और उसकी मदद से आप इसको, इसके एजुकेशनल वीडियो बनाइए। जाते जाते नासा का ने बनाया हुआ जो हबल स्पेस है उसको देखते जाइए। इस तरह से हबल स्पेस को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो मैं यही सुझाव दूंगा, अगर आप चाहें तो इसके साथ खड़े होकर एक्सप्लेन कीजिए, और ये रिकॉर्ड का बटन स्टार्ट कीजिए तो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगा और एक आपको अच्छा सा लेसन जो मिल जाएगा। इस तरह से हम इसे आपका बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।